पंजाब से शाहजहांपुर आकर दूसरी शादी करना युवक को महंगा साबित हो गया। उसकी पहली पत्नी अपने परिवार वालों के साथ आकर धमक पड़ी और जमकर धुनाई शुरू कर दी, लेकिन पुलिस यहाँ भी नहीं मानी। सिंधौली पुलिस ने मामला मामूली धाराओं में दर्ज कर महिला को थाने से भगा दिया। मजबूरन महिला को पुलिस अधीक्षक से गुहार लगानी पड़ी। फिलहाल पुलिस क्षेत्राधिकारी ने इस मैटर पर जांच कराने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शाहजहांपुर से आकाश वर्मा की रिपोर्ट। यूपी के रामपुर में मतगणना की तारीख नजदीक आते ही अधिकारियों की मतगणना कराने के लिए कमर कसने के लिए मीटिंग का सिलसिला तेज हो गया है। रामपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने मीटिंग के बाद बताया कि मतगणना की तैयारी के लिए अधिकारियों को मीटिंग कर निर्देश दिए गए हैं। जिला अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना पूरी तरह पारदर्शी होगी। कोई भी वहां मोबाइल नहीं ले जा सकेगा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना में कोई भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। रामपुर से हारून अली की रिपोर्ट। ये काउंटिंग का नाम है भारत निर्वाचन आयोग का, उस नाम के हिसाब से हमें तैयारियां करनी है और उसमें उसी के अनुसार ट्रेनिंग भी होनी है जो लोग काउंटिंग में लगेंगे, और इसके साथ ही पोस्टल बैलेट, जो ई पोस्टल बैलेट है, उसका काउंटिंग होना है। उसमें एक और भी चीज़ है कि वीवीपैट का भी रैंडम पर्चियों की का मिलान होना है। इन्हीं सब के संदर्भ में तैयारी थी। और प्लस एक चीज़ और भी है कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए इन सब के बारे में विचार विमर्श हुआ है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि न सिर्फ हम बेहतर और फास्ट रिजल्ट दे सकें, बल्कि जिस ट्रांसपेरेंट तरीके से भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसका पूरा पालन करते हुए हम इसको बेहतर तरीके से लोगों के सामने ले आ सके। अभी इस पर भी विचार हुआ है कि शहर के विभिन्न स्थानों पे जहाँ जहाँ पे हमारी एलईडी की व्यवस्था दे सकते हैं, वहाँ पे लोगों को लाइव रिजल्ट देखने के लिए भी हम व्यवस्था कर दें, ताकि लोगों को मंडी तक जाने की ज़रूरत ना पड़े और वहाँ पर इकट्ठा ना होना पड़े, और किसी तरीके की र्यूमर को भी हम रोक सकें। इसके लिए भी हमने आज डिस्कशन किया और इस पर हम पूरी तरह से पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों को बेहतर, सही और ट्रांसपेरेंट तरीके से रिजल्ट दें। और किसी तरीके के हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते लगी दुकान में भीषण आग। पीछे से आग लगी, दरवाजे पे थी। हाँ। तो दरवाजे से नीचे दुकान थी फल वाली, उसमें आग लगी, उससे आग बढ़ी। हाँ। और बढ़ने के बाद ये ऊपर आ गई है। ऊपर नुकसान भी है हमारा, नुकसान करीब 30-35 हज़ार रुपए का है। अच्छा। हमारा फ्रिज जल गया है, हमारा माल रखा था वो जल गया है, से लाखों का माल जलकर खाक हुआ। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। हमीरपुर से तेज सिंह की रिपोर्ट। आज भाई साहब हम शादी में अत्यंत गर्मा, हमने देखा नहीं कैसे लेकर। क्या आपका नुकसान हुआ इसमें? क्या नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ है कम से कम 100 बंडल क्रेडे जल गए। केले क्रेडे? अच्छा, क्रेड गोदाम वाले। अच्छा। और कम से कम कुछ नहीं तो 3 लाख का माल था हमारा, फल फ्रूट वाला। अच्छा, उसका नुकसान हुआ। उसका नुकसान। आग का पता कब चला? अभी सुबह। सुबह फायर ब्रिगेड आई थी टाइम पे? नहीं आई टाइम से, 1 घंटा बाद आई है। नाम क्या है आपका? हमारा संत राम नाम। धार्मिक नगरी अयोध्या में जंगली सुअर का आतंक देखने को मिला। अयोध्या के लक्ष्मण घाट एरिया में सरयू नदी के रास्ते जंगली सुअर आ पहुंचा, जिससे स्थानीय लोगों में काफी खौफ रहा और लोग अपने घरों में ही बंद रहे। वहीं इस जानवर की सूचना देते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। काफी देर मशक्कत के बाद वह झाड़ियों से निकलकर मुख्य मार्ग पर आ गया और लोगों के घर के सामने घूमने लगा। तभी कुछ स्थानीय लोगों ने जंगली सुअर के आतंक से तंग होकर सभी लोगों ने डंडा आदि से दौड़ा लिया और वह सुअर लक्ष्मण घाट से गोला घाट होते हुए पुनः पानी में प्रवेश कर भाग गया। लेकिन ऐसी स्थिति में लक्ष्मण घाट के स्थानीय लोगों में काफी घबराहट महसूस करते रहे। लोगों का मानना है कि कुछ वर्ष पूर्व भी एक जंगली सुअर इसी तरह इस इलाके में आ गया था और कुछ लोगों को भी घायल किया, जिसके कारण जंगली सुअर आतंक का भय अभी भी है। इस जंगली सुअर ने कई स्थानीय लोगों को घायल भी कर दिया है। अयोध्या से विशाल अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं यहाँ सुबह आया था 6 तारीख को 8-9 बजे जी, 9 बजे आया था, 2 थे जी, एक निकल गया 7 तारीख को दोपहर में, बच्चे निकाल दिए शाम तक, एक घायल हो गया था वो निकल गया था और एक निकला आज, वो रिटेर नागा जी आए थे, वो सबको बुलाए बुलाए उन्हीं के मार्फत काम हुआ है, वैसे ही निकला है आज निकला। 5-6 लोग घायल हुए थे, 2 बच्चे घायल हुए थे, 2-3 लोग जो फूल बीनने आते हैं, बेल पत्ती लेते आते हैं, वो घायल हुए थे।
बहराइच अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक तरफ केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोल रही है, इसी कड़ी में बहराइच में भी 100 बेड का नया महिला अस्पताल बनकर तैयार हो गया है और उसमें स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो गई है। लेकिन अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के कारण गर्भवती महिलाओं की अस्पताल का कोई स्टाफ समय से काम नहीं करता। आपको बता दें, महिला अस्पताल में महिलाओं को फर्ज पर बिना प्रशिक्षित स्टाफ की देखरेख के बच्चे को जनना पड़ जाता है। ताज़ा मामला बहराइच के रिसिया इलाके की एक महिला का है। जब उसे लेबर पेन उठी तो घर वाले अस्पताल लेकर आए, लेकिन घंटों अस्पताल स्टाफ ने उस महिला की एक भी न सुनी और महिला फर्श पर तड़पती रही और फर्श पर ही बच्चे का जन्म हो गया। मेरा नाम कौशल मणि त्रिपाठी है। यहाँ पे हम लेके आए, ना कोई मेरा डॉक्टर सुनवाई हुआ, ना कुछ, मेरा डिलीवरी नॉर्मल खर्च हो गई। यहाँ पे जब ऊपर आए थे बोल रहे नीचे जाओ तो बोल रहे ऊपर जाओ, ना कोई एनएम, ना कोई डॉक्टर, कोई यहाँ पे मेरी सुनवाई ही नहीं हो रही है। डीएम के पास हमने फ़ोन किया, वहाँ से भी कोई रिप्लेसमेंट पर नहीं है। डीएम के पास कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं हुई, बातचीत हुआ, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। लड़की मेरी जन्म ली फर्स्ट पे नीचे, वही पे शायद थी, उसके 10-15 मिनट बाद यहाँ पे नर्स लोग आए, उसके बाद में तो वहाँ से लेके गए। ग्राम पोस्ट शंकरपुर थाना जिला जिला बहरी सरता त्रिपाठी। परिजनों का कहना है इलाज न होने के कारण कुछ समय बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। वो हमारे लड़की जो है उसी की लड़की पैदा होनी थी, उसको जो है यहाँ अस्पताल में लेकर आए और जो है उसको यहाँ पर्चा बनवाया गया कि यहाँ किसी स्टाफ के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला। उसकी जो डिलीवरी हुई बरामदे में हुई और बरामदे में डिलीवरी होने के कारण उसकी जो है बच्ची एक्सपायर कर गई और जो है इसके बाद लाख प्रयास करने के बाद केमो और डॉक्टर और स्टाफ पूरा जो है उनको यहाँ से हमको डांटता रहा और झगड़ा करता रहा। नहीं, बरामदे में फर्श पे डिलीवरी हो गई और सब लोगों के सामने हो गई, कोई देखने वाला नहीं, बच्ची एक्सपायर हो गई। जबकि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो वहाँ मौजूद भी नहीं थी, उनका कहना है कि बच्चा मृत ही पैदा हुआ है। बहराइच से मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। नहीं, मेरे पास जब वो आदमी आया है उसने ये कहा कि हमारी मरीज नीचे है, वो हॉस्पिटल में था ही नहीं, वो हॉस्पिटल के बाहर था और तुरंत उसको ओटी से स्ट्रेचर दिया गया और ओटी से ओटी में कि नीचे इंस्टीट्यूट है, ऊपर इंस्टीट्यूट, किसी ने सुना नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और आप आइए ना, स्ट्रेचर मैंने दिया है, नहीं आप झूठ बताते रहे हो, यह बच्ची पैदा लेने फर्श के ऊपर, मेरे फर्श के ऊपर अस्पताल के अंदर डिलीवरी हो रही है। अरे तो स्ट्रेचर लेने वो मेरे अस्पताल में नहीं, मेरी कोई व्यवस्था नहीं, मेरी व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। आपकी व्यवस्था नहीं, बिल्कुल मैं कह रही हूँ, धोखा आपकी है मैडम। मैंने ओटी के अंदर स्ट्रेचर दिया, आप नहीं थे, जो आदमी था उस आदमी को बुलाइए। वो आदमी हम में था, जो ओटी के अंदर से स्ट्रेचर मैंने दिया उसको, मैं भी था, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप झूठ बोल रहे हैं, मैं ड्यूटी पे थी। क्या फर्श पे डिलीवरी होने का क्या मतलब है सर? फर्श पे डिलीवरी क्यों कराएंगे? अरे तो फर्श पे जब बच्चा निकल गया तो क्या गिरने में? आपके पास जो है वो ओटी है, आपके पास कमरा है इमरजेंसी में। अरे तो मरीज का बच्चा निकल रहा है तो उसको कहाँ निकालेंगे? बाहर कर गई जो है डिलीवरी फर्श बच्चा था। ये बेकार की बात कर रहे हैं।